बकरीद को लेकर डेहरी शहर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नए SDM समीर कुमार सौरभ ने की। इस अवसर पर कई समाजसेवी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बकरीद को लेकर कोरोना गाइडलाइन के तहत घरों में ही नमाज अदा करने की अपील जिला प्रशासन ने की। कोरोना गाइडलाइन के तहत घरों में ही इस बार नमाज अदा की जाएगी, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। ऐसे में सरकार के जितने भी नियम हैं वो अभी लागू हैं, धार्मिक स्थल अभी बंद हैं। इसकी वजह से मस्जिदों में भी जो है वो नमाज सार्वजनिक रूप से अदा नहीं की जाएगी। सभी लोगों से ये अपील की गई कि ये पर्व जो है शांतिपूर्वक मनाना है। ऐसे में जो समाजसेवी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे उन्होंने भी अपनी राय रखी। आइए देखते हैं डेहरी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की ये रिपोर्ट। कुछ लोग जो है मस्जिद के जो खिदमत गुजार है वो पढ़ते हैं फासले से, वो पढ़ेंगे लोग जो भी 10-15-20 रहते हैं, जो सफाई वफाई करने वाले होते हैं, इमाम होते हैं, मुअज्जिन होते हैं। नमाज तो होती है, 5 वक्त में नमाज होती है, फासले से होती है। अभी मस्जिदें सब बंद, इसी तरह हम लोग बकरीद में भी करेंगे। संधारण और उनकी शहर की सर सफाई और प्रकाश बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। जैसा कि पीर मोहम्मद ने कहा कि गंगा जमुनी एकता का प्रतीक डेहरी, कौमी एकता का प्रतीक डेहरी, आजादी के बाद डेहरी में कभी भी कॉम्युनल प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो चंद असामाजिक अनसोशल एलिमेंट के द्वारा कभी पर्व त्योहार में पीछे से किसी तरह का खुरपात हुआ है, लेकिन ऐसा अभी स्थिति नहीं है। जैसा कि सरकार का अभी बोल रहे थे मौलाना साहब, क्या गाइडलाइन है सरकार की? गाइडलाइन है कि सामूहिक नमाज नहीं होगी, आप अपने घरों में कुर्बानी दें और नमाज अदा करें। तो आज वरिष्ठ हमारे SDM साहब, प्रशिक्षु IAS महोदय, DCLR महोदया, BDO साहब, नगर थाना अध्यक्ष साहब, प्रशिक्षु DSP पे शांति समिति की बैठक में क्या गाइडलाइन दिया गया है? शांति समिति की मीटिंग खत्म हुई है, इसमें विचार विमर्श किया गया और यही बताया गया कि हम लोगों को दो ही चीज़ करना है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है सबको पता है उसको फॉलो करना है। कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करने के साथ साथ आप लोगों को शांति और सौहार्दता बरतते हुए इस पर्व को सब लोगों को मनाना है। हम लोग खुशी खुशी और बहुत सक्सेसफुल इस पर्व को मनाने में कामयाब होंगे। थैंक यू सर। नमाज को लेकर क्या करते हैं? जो उसके लिए कोविड का प्रोटोकॉल जो बिहार सरकार की तरफ से है वो क्लियर कट है कि मतलब आपको समूह में नहीं करना है ये चीज़। और मैंने रिक्वेस्ट किया सब लोगों को कि सब अपने घर में ही करें, और सिंस कोविड प्रोटोकॉल क्लियरली बोलता है कि आप कहीं कोई भी धार्मिक स्थल अभी खुला हुआ नहीं है, तो कहीं भी धार्मिक स्थल पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और लोग अपने से करें।